नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना राकेश आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि वीडियो को पूरा देखें। हम जैसे ही सुबह उठते हैं, जैसे ही हमारे दिन की शुरुआत होती है, हमारे अंदर एक चीज है जो ये डिसाइड करती है कि हमारा पूरा दिन कैसा जाने वाला है। मतलब अगर वो ना हो तो शायद ही ऐसा हो कि हमारा दिन अच्छा जाए। हमारा अगला दिन कैसा होगा, उससे भी अगला दिन कैसा होगा, हमारी पूरी जिंदगी कैसे जाएगी, जो ये डिसाइड करती है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर का एटीट्यूड कैसा हो। हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। आज का दिन मस्त गया, एकदम एनर्जी से भरा हुआ गया, तो इस बेस पर ये भी डिसाइड होगा कि हमारा अगला दिन कैसा जाने वाला है। दोस्तों, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने रिच हो, कितने अच्छे दिखते हो, कितने लोगों के साथ जुड़े हुए हो और आप कितने पावरफुल हो। कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो सिर्फ आपका एटीट्यूड। दोस्तों, इस पृथ्वी पर दो जानवर ऐसे हैं जो अपने एटीट्यूड की वजह से जाने जाते हैं। मतलब वो इसलिए नहीं जाने जाते कि वो दूसरे जानवरों से ज्यादा ताकतवर हैं, लंबे हैं, फास्ट हैं। वो सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से जाने जाते हैं। पहला है ईगल और दूसरा है लॉयन। ईगल आसमान में किंग है और लॉयन जंगल में। इस दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े लीडर के पास चले जाओ, आपको इन दो एनिमल्स का एटीट्यूड मिलेगा। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़े लेवल का करना चाहते हो तो आपके अंदर लॉयन जैसा एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। लॉयन उसके एटीट्यूड की वजह से ही किंग माना जाता है। वो ना हाइट में सबसे ज्यादा लंबा है, ना हैवी जानवर है, ना साइज में बड़ा है और ना ही वह जंगल में सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट जानवर है। लेकिन तब भी वो अगर कहीं दिख जाता है तो सारे जानवर उससे डर कर भाग जाते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करती हूँ। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक आर्मी है भेड़ियों की, जिसे लीड करने वाला, चलाने वाला एक लॉयन है। वह आर्मी बड़ी आसानी से हरा सकती है उस लॉयन की आर्मी को, जिसे लीड करने वाला, चलाने वाला एक भेड़िया है। तो लॉयन में ऐसा एटीट्यूड है जिस वजह से जंगल में जितने भी जानवर हैं वे उससे डरते हैं। तो यही वो एटीट्यूड है जो मैं चाहती हूँ कि आप सभी के अंदर हो। सुबह उठते ही हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारे अंदर का जो डर है वह हमें लीड करे, हमें चलाए। जंगल में डर का मतलब रिस्पेक्ट है। एक एलिफेंट लॉयन की रिस्पेक्ट करता है, एक जिराफ लॉयन की रिस्पेक्ट करता है, कोई भी दूसरा लॉयन की रिस्पेक्ट करता है। ऐसा क्यों है? जिसकी वजह से सभी रिस्पेक्ट करते हैं, वो है उसका एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉयन और एक हाथी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो लॉयन ये सोचेगा, ये मेरा खाना है, ये मेरा लंच है। एटीट्यूड तो देखो लॉयन का। हाथी का एटीट्यूड क्या है? वो शेर को देख के सोचेगा कि ये मुझे खाने वाला है। बल्कि हाथी ज्यादा बड़ा है, पावरफुल है, हैवी है, इंटेलिजेंट है। जो कुछ आप मान लेते हो वो आपका बिलीव बन जाता है, फिर उसी के बेस पर आपकी पूरी जिंदगी चलती है। जब आप सुबह उठते हो तो आपका एटीट्यूड कहता है कि मेरा पूरा दिन जबरदस्त जाने वाला है, तो ये मानिए, ये रियलिटी में काम करेगा। ये मानना कि मेरा आज का पूरा दिन जबरदस्त जाने वाला है, ये वाकई में ऐसा होगा। वो स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी कि एक छोटे हाथी के बच्चे को रस्सी से बांध दिया जाता है, तब उस वक्त उसमें वह उसे तोड़ नहीं पाता क्योंकि उस समय उसमें उतनी ताकत नहीं होती। लेकिन जब वो बड़ा होता है, उस रस्सी को तोड़ने के लायक होता है, तब भी वह यही सोचता है कि वह इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता है, इसीलिए वह ट्राई ही नहीं करता, जबकि वह उस रस्सी को बड़ी ही आसानी से तोड़ सकता है। उसे रोकने वाला उसका बिलीव है। अभिप्राय यह है, क्या आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आपसे आपका आलस, आपका स्ट्रेस, आपकी टेंशन, आपकी प्रॉब्लम आपसे डरे, क्योंकि वो आपका एटीट्यूड है? या फिर आप चाहते हैं कि यह
जितने भी तनाव हैं, जितने भी परेशानियां हैं, उनसे आप डर डर के दिन की शुरुआत करें। आपका दिन आप खुद डिसाइड करो, या फिर ये फीलिंग जो बार बार एक एक करके आपके दिमाग पर वार करती जा रही है, वो आपका दिन डिसाइड करेगी। क्या आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप ये मानते हो कि मेरी जितनी भी परेशानियां हैं, मैं उनसे बड़ा हूँ, मेरी परेशानी मुझसे बड़ी नहीं। एटीट्यूड पर एक कहानी सुनते हैं, जिससे आपको एटीट्यूड की वैल्यू पता लगेगी। क्योंकि कही हुई बात हम भूल सकते हैं, पर स्टोरी हमें सालों साल याद रहती है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक शूज मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी। उस कंपनी में दो लड़कों को जॉब लगी। दोनों इम्प्लॉयज को मार्केटिंग करनी थी। दोनों को एक जगह भेज दिया गया। दोनों ने वहाँ मार्केटिंग को समझा, लोगों को समझा, और दोनों ने सर्च करके जो रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट ईमेल में लिखकर अपने बॉस को सेंड कर दिया। बॉस ने रिस्पांस में पहले वाले को कहा, आपकी इस कंपनी को जरूरत नहीं, और दूसरे को कहा, आपको मार्केटिंग का हेड नियुक्त किया जाता है। तो क्या फर्क था दोनों में? जो पहला एम्प्लॉय था, उसने मेल में लिखा था, सर जिस जगह हम गए वहाँ कोई जूते नहीं पहनता, यहाँ जूते क्या होते हैं किसी को पता ही नहीं, हम यहाँ पर जूतों की शॉप नहीं खोल सकते, उन्हें पता ही नहीं कि जूते क्या होते हैं, ने उसे निकाल दिया। क्योंकि उसका एटीट्यूड कंपनी के लिए ठीक नहीं था। दूसरे एम्प्लॉय ने मेल में लिखा था, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, हम यहाँ स्टैब्लिश होने वाले हैं, मुझे यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिस जगह हम गए क्योंकि वहाँ कोई जूते नहीं पहनता, इसलिए वहाँ हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और ना ही ये प्रोडक्ट किसी ने खरीदा है, यानी यहाँ हम सबको जूते बेच सकते हैं, क्योंकि एक वो होता है जिसे ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ हम सबको बेच सकते हैं। एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, कोई मैटर नहीं करता कि आप कितने होशियार हो। इस कहानी में दो एम्प्लॉयज़ थे, इन दोनों के बीच कोई मैटर नहीं करता कि कौन कितना होशियार था, किसको कितनी मार्केटिंग आती थी, किसने पहले कितना समय काम किया। मायने रखा कि चीज़ों को देखने का, किसी भी सिचुएशन या मूवमेंट को देखने का एटीट्यूड कैसा है। वो कहते हैं ना, जिंदगी में 10% वो होता है जिस पर खुद का कंट्रोल नहीं होता, और 90% क्या होगा ये हमारे एटीट्यूड पर निर्भर है कि उस सिचुएशन पर किस तरह से रिएक्ट करें। तो दोस्तों, मैं दो लाइनों के साथ अपने टॉपिक का अंत करती हूँ। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार मानो। आई रिपीट, कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार मानो। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।